हेलो एवरीवन, मैं संजय पुरोहित आपका स्वागत करता हूँ एरे से रिलेटेड इस दूसरे सेगमेंट में, जहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं एरे से रिलेटेड। एरे के फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक जो समझा था वो था कि एरे का डिक्लेरेशन कैसे करना है, उसे प्रिंट कैसे करते हैं और उसे इनिशलाइज कैसे करना है, वैल्यूज को इंक्रीमेंट कैसे करना है, वैल्यूज को डिस्प्ले कैसे करना है। इस सेकेंड पार्ट में जो हम सबसे मेन कवर करेंगे वो है टू डायमेंशनल एरे से रिलेटेड। उससे पहले मैंने पुराने एग्जाम्पल को कॉपी किया हुआ है ये पूरा का पूरा, और मैं यहाँ पर एक चेंज आपको करके दिखाना चाहता हूँ। वो ये है कि सपोज अगर इस प्रोग्राम को हम प्रिंट करते हैं तो इसकी वैल्यू ये इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम में सीखा था। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इंडेक्स 0 पर 1 वैल्यू है, इंडेक्स 1 पर 2 वैल्यू है। इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग हम एरे एलिमेंट को इस तरीके से प्रिंट ना करने के अलावा एक लीनियर वे में प्रिंट कर सकते हैं, जिस तरीके से ये हमें इनपुट के अंदर दिखाई दे रहा है। मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंजेस करके दिखाना चाह रहा हूँ, और वो चेंजेस इस तरीके के हैं ताकि आप उसको इजीली समझ पाए। यहाँ पर जस्ट मैंने एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराया, और डिस्प्ले आप देखिए 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या डिस्प्ले हो रहा है इसमें भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ये इंडेक्स डिस्प्ले कर रहा है, हमें इंडेक्स डिस्प्ले नहीं करना है, हमें इसके एलिमेंट्स की वैल्यू को डिस्प्ले करना है। प्रोग्राम को मैंने सेव करा और उसके बाद इसे रन कराया, तो अब ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये एरे के एलिमेंट के एलिमेंट की वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज के साथ मैं नेक्स्ट क्या चाहता हूं कि इनसे रिलेटेड मैं इनसे रिलेटेड मैं इंडेक्स को भी प्रिंट करना चाह रहा हूं। प्रिंट एफ के साथ हमने यहां पर पास किया डबल कोट्स सेम एड्रेस स्पेस दैट इज परसेंटाइल 5D। 5 यहां पर वैकेंट स्पेस है जो एरे के लिए राइट अलाइनमेंट की तरह काम करता है, फॉर्मेटिंग के लिए इसे यूज करते हैं, और हम आई जो इंडेक्स वैल्यू है उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि इस इंडेक्स को हम डायरेक्ट अगर हम इसके साथ प्रिंट कराएंगे तो ये एक एरर देगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं एक सेपरेट लूप क्रिएट करते हैं। इस लूप से पहले आपको एक प्रिंट एफ यूज करना होगा जो प्रीवियस पैटर्न में स्लैश एन प्रिंट करेगा और हमारे नए पूरे के पूरे पैटर्न को नए लाइन में डिस्प्ले करेगा। इसके लिए मैं दोबारा से यही लूप यूज कर रहा हूं, दैट इज फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5, एन आई प्लस प्लस। उसके बाद वो वाला पैटर्न जिसमें हम यहां पर हमारे एरे एलिमेंट डिस्प्ले हो रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग हमारा एरे का जो इंडेक्स है वो डिस्प्ले होगा। इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और एक बार रन कराकर देखते हैं कि इसमें क्या कुछ हो रहा है। तो अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ये है हमारी वैल्यूज। इंडेक्स 0 पर वैल्यू है 1, इंडेक्स 1 पर वैल्यू है 2, 2 पर 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको यह समझ में आएगा कि इंडेक्स किस तरीके से रन करता है और वैल्यूज किस तरीके से रन करती हैं। अगर हम नॉर्मली अब क्वेश्चन ये आता है कि किन किन चीजों के लिए एरे की रिक्वायरमेंट है, तो सिंपल सा है, जहां पर आपको मल्टीपल टाइप्स के वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, जहां पर आपको सेम डेटा इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है फॉर मल्टीपल यूजर्स, मल्टीपल वेरिएबल्स, तो वहां पर हम एरे यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने यहां पर एरे लिखा हुआ है 5 एलिमेंट का, तो हम एक नया एरे बना सकते हैं मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स या मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। तो यहां पर 5 स्टूडेंट्स सपोज उनके रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं या जो भी कुछ बात कर रहे हैं, तो जो 0 इंडेक्स होगा वो 1 रोल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, जो 2 इंडेक्स होगा वो 3 रोल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो 4 इंडेक्स होगा 5 रोल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। एज एरे की जो इंडेक्सिंग है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, एलिमेंट उसमें 5 ही होंगे, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। अगर हम यहां पर इसे मेंशन करना चाहें, इसकी इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है और n माइनस 1 एलिमेंट तक रन करती है। तो 5 के लिए इसकी इंडेक्सिंग होगी 0 से लेकर 4 तक। ये कॉमन सा पैटर्न है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप चाहो तो नंबर भी स्टोर करा सकते हो। यहां पर जैसे हमने डायरेक्ट इनिशियलाइज किया था, हम यहां ये भी लिख सकते हैं प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर द मार्क्स ऑफ
स्टूडेंट्स, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इसके बाद एक मुझे स्कैनएफ यूज करना पड़ेगा, स्कैनएफ परसेंटाइल डी, और ये हम जिस वेरिएबल के लिए यूज कर रहे हैं वो नॉर्मल होगा, हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है, मार्क्स रखा हुआ है, तो n परसेंट मार्क्स ऑफ आई एज इट इज, जो पुराना फॉर्मेट हमने यूज किया है। डिस्प्ले के लिए हम यहां पर अब एरे नाम के वेरिएबल को हम हटा चुके हैं, एरे को हटा चुके हैं, तो यहां पर हमारे पास मार्क्स नाम का वेरिएबल होगा, और उसके बाद इस लूप की हमें कोई रिक्वायरमेंट, या अगर आप दिखाना चाहते हो तो इसको हम दिखा सकते हैं कि किस स्टूडेंट के लिए हमने डिस्प्ले कराया है। तो यहां पर मैं i प्लस वन दे रहा हूं, i जो है इंडेक्स वैल्यू होगी वन, उसके साथ जो एड ऑन हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि जीरो इंडेक्स पर फर्स्ट रोल नंबर होता है, तो वन प्लस वैल्यूज होती है, इस वन प्लस के हम दिखाना के थ्रू हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें क्या क्या वैल्यू सेव हुई है। इसमें दिखा रहा है एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, फाइव स्टूडेंट के मार्क्स हम एंटर कर रहे हैं, फर्स्ट स्टूडेंट के लिए 56, उसके बाद 67, देन 43, देन 78 एंड 89। अब इसके बाद जो हमने दिखाया एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यहां तक तो हमारा नॉर्मल हो गया, 56, 1, 2, 3, 4, ये फाइव डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमने काम किया और ये इस तरीके से डिस्प्ले में आ गया। अब हम इसको 10 तक ही नहीं, इसको मल्टीपल वैल्यूज तक ले सकते हैं। एडवांटेज क्या है, एक मार्क्स वेरिएबल 5 स्टूडेंट के लिए काम कर रहा है, ये 50 के लिए भी काम कर सकता है और 500 के लिए भी काम कर सकता है। अभी हमने इंटीजर टाइप कंसीडर किया, आप इसको फ्लोट टाइप कंसीडर कर सकते हो और फ्लोट वेरिएबल के लिए यूज कर सकते हो, जो चेंजेस आएंगे वो यहां पर आएंगे। आप जो परसेंटाइल डी से इंटीजर वैल्यू को इनपुट कराते हो, आप परसेंटाइल एफ के साथ फ्लोट वैल्यू को इंसर्ट कराओगे, ये तो नॉर्मल सा काम है। अब इस पूरे एग्जाम्पल को हम कॉपी करते हैं और अब हम बढ़ते हैं सेकंड टाइप ऑफ एरे, दैट इज अ टू डायमेंशनल एरे। इसके लिए मैं एक नया प्रोग्राम क्रिएट कर लेता हूं, न्यू सोर्स फाइल, एंड द एंटायर प्रोग्राम इज कॉपीड हेयर, और यहां पर हमने इसको सेव किया है टू डायमेंशनल एरे के नाम से, टू डैश डी ए आर आर एरे डॉट सी, डॉट सी के एक्सटेंशन को हम सेव कर रहे हैं यहां पर इस तरीके से, और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारा सेव हो गया। टू डायमेंशनल एरे में जो सबसे मेन जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको लूप और इनर लूप को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमने एक लूप यूज किया है और इसके अंदर हम दोबारा से दूसरा लूप यूज करेंगे तो वो इनर लूप को रिप्रेजेंट करेगा। इस वक्त मैं अगर आपको दिखाऊं कि हमें एक और इनर लूप लेना है, दूसरा एक और चीज, आउटर लूप अगर आई वैल्यू वेरिएबल के ऊपर रन कर रहा है तो इनर लूप सेम आई वेरिएबल के ऊपर रन नहीं करना चाहिए, इट शुड रन ऑन बेसिस ऑफ जे वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंटली ये काम करेंगे और क्लैश नहीं करेंगे। सपोज सबसे पहले मैंने एक यहां पर टू डायमेंशनल एरे बनाना है जिसका नाम है मैट्रिक्स, एम ए टी, मैं इसका नाम रख देता हूं मैट्रिक्स ऑफ 3x3। इस तरीके से यहां पर डिफाइन किया जाता है कि हम 3x3 के लिए रन कर रहे हैं, जिसमें से पहला वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, और दूसरा वाला स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। यहां पर 3 का मतलब है कि 3 रोज है जिसका इंडेक्स रन करेगा 0 से लेकर 2 तक, और 3 कॉलम है अगेन उसका इंडेक्स रन करेगा 0 से लेकर 2 तक। तो सबसे पहला काम मेरा यह है कि जो मैं इसमें चाह रहा हूं, हम नॉर्मली एक 3x3 के मैट्रिक्स की वैल्यू को इनपुट करते हैं और उसको डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं। तो अब इनमें क्या क्या चेंजेस होंगे, यहां तक हमारे प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन ऐसे ही काम कर रहा है। यह हमारा हेडिंग हो गया एरे, तो अब एरे ना होकर ये 2D एरे हो गया। तो 2D एरे को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से, 3 डॉट्स हमने यहां से कम कर लिए, ये तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये प्लस माइनस हो सकता है स्क्रीन के अकॉर्डिंग। अब यहां पर हमने लिखा हुआ है एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, इसकी जगह पर हमें मैट्रिक्स एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, तो हम लिख रहे हैं एंटर द मैट्रिक्स एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स ये लगातार ये प्रिंट एफ हमें पॉपअप ना होता रहे, इसलिए हम इसे मैट्रिक्स के प्रेजेंटेशन इनपुट से पहले ही लिख रहे हैं ताकि ये एक बार दिखाई दे और हम वैल्यू उसको बार बार इनपुट करें। इसके अंदर फंक्शन हमें रिपीटेडली कॉल करना पड़ेगा। अब वो रिपीटेडली कैसे कॉल होगा मैं आपको बता दूं,
कि अगर आई की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक रन होती है तो ये 3 टाइम्स रन करेगा, और हमने सपोज ये मान लिया कि आई हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें एक और लूप लगाना होगा, इनर लूप, जो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को जिसकी वैल्यू हम दोबारा चलाना चाह रहे हैं, जे इज लेस देन इक्वल टू जे लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस। इस इनर लूप और आउटर लूप के कंसेप्ट को समझने के लिए एक बार जो रिलेटेड वीडियो है दैट इज पैटर्न प्रिंटिंग, पैटर्न प्रिंटिंग वाले वीडियो को आप जरूर देखिए ताकि आप उसको थोड़ा सा और समझ पाए। यहां पर हमने क्या करा है, स्कैनएफ के थ्रू हम इनपुट कराना चाह रहे हैं, और हमारे एरे का जो नाम है दैट इज MAT, दैट स्टैंड्स फॉर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में हम टू डायमेंशनल एरे की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं आई ऑफ जे। ये आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी जो वैल्यू इंसर्ट होगी वो होगी 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 एंड सो ऑन। ये इस तरीके से 9 टाइम्स चलेगा फॉर दीज 3 × 3 मैट्रिक्स के लिए। अब इसी फॉर्मेट में हमें इसका डिस्प्ले भी कराना होगा, तो डिस्प्ले के लिए हम दोबारा से इस बाउंड को चेंज करते हैं, दैट इज ऑफ 3 एंड अगेन प्रिंटिंग फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस। ये नॉर्मल हमारा रिप्रेजेंटेशन है, इस नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम यहां पर इसके लिए जो भी मेथड हम प्रिंट कर रहे हैं, दिस इज जस्ट अ प्रिंटिंग। अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इसमें हम क्या कुछ करेंगे, और इसके बाद हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी डायरेक्ट नहीं करूंगा, वन टाइम में अगर हम चेंजेस करते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं इस सेगमेंट को कमेंटेड लाइन में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि आप इसके इफेक्ट से आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, आपको समझ में आए कि हाँ हमारे प्रोग्राम में हो क्या रहा है। अभी इसके लॉजिक के अकॉर्डिंग ये लूप हमारा इनपुट के लिए काम कर रहा है और ये वाला लूप हमारा डिस्प्ले के लिए काम कर रहा है। गैप थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको समझ लेते हैं। उसके बाद इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। प्रोग्राम को रन कराने के बाद यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। हाँ, हम इसको नहीं डिस्प्ले के अकॉर्डिंग, दैट इज MAT आई ऑफ जे, ये इसका एग्जैक्ट नाम है। ये एरर कई बार जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं और चेंजेस करना भूल जाते हैं तो उस तरीके से ये एरर आता है। एंटर द मैट्रिक्स एलिमेंट, आप एंटर के थ्रू भी मैट्रिक्स एलिमेंट को इनपुट करा सकते हो या आप स्पेस के साथ भी इनपुट करा सकते हो। सपोज अभी मैंने कराया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसके अकॉर्डिंग आप ये देखिए जो डिस्प्ले हमारे पास आ रहा है ये एक सिंगल रो में आ रहा है। इस सिंगल रो के लिए मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करा रहा हूं और इसमें आपको जो बता रहा हूं कि स्पेस के थ्रू आप वैल्यू कैसे इनपुट करा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये भी स्पेस अपने आप में एक सिंगल नंबर को आइडेंटिफाइड कर लेता है और इस तरीके से डिस्प्ले करा देता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा मैट्रिक्स है तो वो 3x3 के रिप्रेजेंटेशन में आना चाहिए जो कि अभी एक लीनियर फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। तो ये जो फॉर्मेट है जो लीनियर फॉर्मेट में दिखा रहा है ये 3 एलिमेंट्स को एक बार में दिखाएगा। तो इस लूप के खत्म होने के बाद यहां पर मैं एक प्रिंट एफ और प्लेस करता हूं, दैट इज /n n semicolon। इसको मैं सेव कराता हूं और इस बार आप देखिएगा कि केवल इस /n के लगाने से क्या इफेक्ट नजर आ रहा है। अगेन हम नंबर इनपुट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां हमने एंटर किया, ये हमारा एक 3x3 का मैट्रिक्स बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एलिमेंट्स बन गया। इसमें अगर आप रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जो 1 है वो इंडेक्स 0,0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 जो है वो 0,1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 जो है, इस 3 की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 जो है ये 0,2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 यहां पर पहली वाली रो है आपकी, और अगर हम बाद में बात करते हैं तो ये कॉलम के अकॉर्डिंग भी डिसाइड होता है, कॉलम एक्चुअली यहां पर हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, तो हम रो के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, 0 रो 1 रो एंड 2 रो। 2 रो का मतलब अगर हम इंडेक्स वैल्यू 2 की बात करें तो नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 हो जाएंगी। यहां पर ये नॉर्मल सा है,
अब क्वेश्चन ये है कि 2D एरे की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। एक यहां पर मैंने कमेंटेड सेगमेंट बनाया था, इस सेगमेंट को हम हटा देते हैं। हम मोर देन 2 एरेस को साथ में इंप्लीमेंट करके, जैसे ये हमारे पास एक है, ये हमारे पास एक काम कर रहा है मैट्रिक्स 1 के लिए। मैं आपको एप्लीकेशन एरिया दिखा देता हूं इसका। सपोज वी हैव टू डिजाइन अ प्रोग्राम फॉर मैट्रिक्स एडिशन, तो एक दूसरा मैट्रिक्स बनाया मैंने MAT(3, 3) और एक तीसरा मैट्रिक्स बनाया MAT(result)(3, 3). यहां पर हम पहले मैट्रिक्स के लिए इनपुट कर रहे हैं, इतना प्रोग्राम मैंने कॉपी किया, और उसके बाद दूसरे मैट्रिक्स के लिए मैं इनपुट कराना चाह रहा हूं, तो यहां पर मैंने लिखा एंटर द मैट्रिक्स। यहां हम लिखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट, यहां हमने लिखा एंटर द सेकंड मैट्रिक्स एलिमेंट। ये दो चीजें हमारे पास हो गई। अब उसके बाद इसका मुझे सबमिशन भी करना है, तो यहां पर मैं कमेंटेड में दिखा दे रहा हूं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। एडिशन, एडिशन कैसा करना चाह रहे हैं, एडिशन के लिए हमें इस मैट्रिक्स को कॉपी करना पड़ेगा, मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन को। अब इसे हम कॉपी कैसे करते हैं देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। अभी तक तो हमने इनपुट के लिए काम किया था, अब हम एडिशन के लिए काम कर रहे हैं। लूप इतने बार ही रन होगा, इंटरनल कैलकुलेशन बदल जाएंगे, लूप इतने बार ही रन होगा। पहले बार के लिए भी i=0 to 3 और दूसरे के लिए भी i=0 to 3। ये मैट्रिक्स 1 है, ये मैट्रिक्स 2 है, और यहां जो हम काम करेंगे वो हम लिखेंगे मैट्रिक्स MATR, मैट्रिक्स रिजल्ट ऑफ i, j इज इक्वल टू मैट्रिक्स i, j प्लस मैट्रिक्स 2, i एंड j एंड सेमीकोलन। अब ये क्या कर रहा है, मैट्रिक्स ij की जो वैल्यू होगी मैट्रिक्स 2ij की वैल्यू के साथ ऐड करेगा और उसे मैट्रिक्स रिजल्ट के अंदर सेव करेगा। अब हम यहां पर 3 डिस्प्ले सेगमेंट्स यूज करेंगे, 3 हमें अलग अलग तरीके से यूज करना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने इसे कॉपी किया, और इससे पहले हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाना चाहते हैं तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन के लिए हमने इसे कॉपी कर लिया, ताकि जो इनपुट के टाइम पर हमने काम किया है वो हमें बार बार ना देखना पड़े। ये पहला डिस्प्ले है, पहला मैट्रिक्स से पहले क्लियर स्क्रीन, उसके बाद इसी मैट्रिक्स को हम दोबारा से डिस्प्ले करेंगे, सेकंड मैट्रिक्स, और उसके बाद थर्ड मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर हम MAT को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे के अंदर हम MAT2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम तीसरे में MATR को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो मैट्रिक्स इनपुट लिए, तीसरे में कैलकुलेशन किया, और उसके बाद 3 बार उन्हें डिस्प्ले किया। क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाने का केवल एक ही रीजन है कि जो इनपुट्स के टाइम पर जो स्क्रीन फिलअप हो जाएगी, उस स्क्रीन को अगर हमें क्लियर करना है ताकि रिजल्ट हमारा बहुत अच्छे तरीके से हमें दिखाई दे। देखते हैं कोई एरर तो इसमें नहीं है। पहले मैट्रिक्स में हमने इनपुट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। दूसरे मैट्रिक्स में हमने इनपुट किया 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इतना इनपुट करने के बाद अब यहां पर हमारे पास मैट्रिक्स जो दिखाई दे रहा है वो डिस्प्ले में आया तो है, लेकिन वो बहुत एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है कि वो डिस्प्ले हुआ क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज और कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो मेरे प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स हैं, इन दो को मैं क्लियर स्क्रीन के बाद दोबारा से लगा दूं, ताकि आपको यहां पर समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। उसके बाद ये वाला जो है, ये डिस्प्ले है फर्स्ट मैट्रिक्स का, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए मैं दिखा रहा हूं printf/n फर्स्ट मैट्रिक्स /n। ये जस्ट डिस्प्ले है ताकि थोड़ा सा चीजें साफ साफ सही समझ में आ जाए, और इसी लाइन को हम कॉपी करते हैं, सेकंड मैट्रिक्स में डिस्प्ले करते हैं, तो यहां पर वर्ड आ जाएगा SECOND सेकंड मैट्रिक्स, और इसी के बाद हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स में काम करते हैं, तो यह है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स।
addition of first and second matrix. अब इस बार इसको थोड़ा सा हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं ताकि हमें exactly समझ में आए इसमें हो क्या रहा है. फर्स्ट मैट्रिक्स में वैल्यू हमने इनपुट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. सेकेंड मैट्रिक्स में हमने रिवर्स ऑर्डर में इनपुट स्टार्ट किया है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1. दैट्स इट. एंड दिस इज द फाइनल डिस्प्ले जहां पर मैट्रिक्स 1 में हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सेकेंड मैट्रिक्स में 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एंड एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स जहां पर हर एक एलिमेंट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड हो रहा है. इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1 और 9 को हम ऐड कर रहे हैं तो 10, 2 और 8 को 10 किया फिर भी 10. आंसर रिजल्टेंट में सबका 10 है बट वो हो कैसे रहा है. 3 एंड 7 दिस इज 10. उसके बाद है 4 एंड 6 अगेन 10 एंड सो ऑन सो ऑन. दिस इज अ वन एंड बेसिक ऑपरेशन ऑफ एरे मैट्रिक्स इंप्लीमेंटेशन थ्रू एरे जहां पर हमने 2D एरे की बात करी है. 2D एरे के अलावा हम 3D एरे की ओर भी काम कर सकते हैं और भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. इस एडिशन ऑपरेशन के अलावा हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर काम कर सकते हैं. जो कोर लॉजिक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो डिसाइड होगा इस प्रोसेस ब्लॉक के अंदर. अगर हम जहां पर हमने एडिशन लिखा हुआ है ये हमारा मेन प्रोसेस ब्लॉक है. इससे ऊपर हमने इनपुट लिया, इसके बाद हमने डिस्प्ले कराया. उसको सीखने और समझने के लिए आपके पास बहुत टाइम है लेकिन जो लॉजिक इंप्लीमेंट करना है वो इस जगह पर करना है. किसकी जगह पर हमें क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, मैट्रिक्स इनवर्स करना है या कुछ और करना है. एक और बात है ये इनर लूप कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से हम लूप के अंदर लूप यूज करते हैं, उनका इंप्लीकेशन क्या होता है, कैसे एक लूप दूसरे लूप के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये कितने आइटरेशन करते हैं. इसके लिए आप एक पैटर्न डिस्प्ले से रिलेटेड वीडियो है अगेन दैट इज बेस्ड ऑन द फॉर लूप, आप उसको देखिए आपको और समझ में आएगा. और इसके लिए आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिए. सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये होता है कि हमें समझ में तो आता है लेकिन उसके बाद हम प्रैक्टिस नहीं करते. और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग में कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, फिर वो चाहे पीएस टेक्नोक्रेट हो या कोई भी और चैनल हो या कोई भी और पर्सन हो, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी. होप सो यू विल परफॉर्म वेल एंड वी विल कम विद अ नेक्स्ट एंड सम एडिशनल वैल्यूज, एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू यू. Thank you. Till then, keep practicing. Bye-bye.